अभी शाम का टाइम है, मतलब रात को बज रहे हैं 9, और मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। कोई बात नहीं, मैं कुछ सामान रख रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए, क्योंकि तो जो ज़रूरी चीज़ें होती है मैं करती हूँ, तो मैंने कही चलो आप लोगों के इसको बता रही हूँ। तो मैं ये लहसुन लेके आई हूँ। अभी लहसुन बहुत महंगा हो रहा है, और ये देखिए ऐसे मैं डब्बे में, जैसे लहसुन होता है महंगी जो चीज़ है, इसमें क्या होता है ना, लंबा टाइम तक ख़राब नहीं होता है। जैसे डब्बे में, किसी भी डब्बे में आप डाल करके और फ्रिज में रखोगे ना, तो लंबा टाइम तक ख़राब नहीं होता। ये देखिए इधर लहसुन डाल दी, और ये जो हरी वाली मिर्ची है ना, तो इसकी डंठल अगर तोड़ देते हैं ना हम सारे ऐसे करके, तो ये मैं ऐसे, ये लहसुन क्या होता है, एक तो सूखता नहीं है, शॉपिंग थोड़ा आवाज़ कम कर ले, एक तो सूखता नहीं है लहसुन हमारा, सूख जाता है ना ऐसे अगर बाहर रखते हैं तो, और दूसरी चीज़ जब भी आप छुड़ाओगे ना एकदम से बहुत जल्दी छूट जाता है, ये ठंडा रहता है ना तो एकदम झटपट में छूट जाता है। तो मैं हमेशा ही लहसुन रखती हूँ इस किसी डब्बे में डाल के आप रख लो। मिर्ची ये ऐसे डंठल तोड़ दोगे ना बहुत लंबा टाइम तक चलता है, तो ऐसे मैं करती हूँ। जब भी आपको खाना है तो आराम से अपना धुल लो और खा लो, तो ये चल जाता करीब 10-15 दिन आराम से। अगर डंठल लगे हुए रखोगे ना तो जल्दी से ये पक जाता है, पीला पीला सा हो जाता है, लाल सा। तो ये मैं करती हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर खाना वाना सब बन चुका है, और सब्जी इतनी महंगी हो रखी है कि जिसका जवाब ही नहीं है कि क्या ही सब्जी लेंगे। जो भी चीज़ पे हाथ रखते हैं वो 20 रुपये पाव, 20 रुपये पाव, और एक पाव में होता ही क्या है बताओ। और फूल गोभी सब तो 40 रुपये पाव है, आज तो टमाटर हद ही कर दिया, आज 60 रुपये पाव। तो बस यही मैंने कहा चलो मिर्ची वगैरह रख रही हूँ अभी मैं, और कुछ नहीं रखती इसमें ऐसे, प्याज तो बाहर ही रखती हूँ। ये चीज़ है ना, ये अगर रख लो ना, अगर हाँ आलू प्याज जब कभी लंबा टाइम के लिए जाना हो तब आप रख लो। ये देखिए थोड़ा गीला सा लग रहा है, इसको मैं पोंछ देती हूँ, ये भी निम्मी ने पोंछ करके, सूखा रहता है ना ये। अब जब ये ऐसे करके मैंने रख दी हूँ सारे, ये देखिए अदरक लहसुन और मिर्ची, अब डब्बा बंद कर दूंगी, जब भी चाहिए निकाल लो और फिर डब्बा बंद करके रख दूंगी फ्रिज में। ढक्कन बंद रहना चाहिए तभी ताजी ताजी सी दिखती है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ, और ये प्याज तो मैं इधर ही रख दूंगी अभी बाहर ही। क्या सब्जी लेती क्या लेती कुछ भी नहीं समझ आया, तब लास्ट में जा करके ये पत्ता गोभी ली हूँ, आज ताजी ताजी आई हुई थी, थोड़ी सी खीरा ली हूँ। ये इतना खीरा ये 20 रुपये का है, 80 रुपये किलो खीरा, क्या खाएंगे क्या पियेंगे। चलो मिलते हैं मॉर्निंग में जी आप लोगों से, और फिर करते हैं बहुत सारी बातें और कुछ नया दिखाने की कोशिश। और ये डंठल रख देती हूँ, चलो आप लोग सब, अब मैं ये कपड़ा वपड़ा क्योंकि गई थी ना मैं बाहर तो ये पहन ली थी, अब घर पे तो टी शर्ट वगैरह पहन लूँगी। और सुबह में करेंगे चना साफ, और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे उस चना, भुना हुआ चना से मुझे क्या बनाना है और शरीर के लिए कितना फ़ायदा होता है जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए, मिलते हैं सुबह में जी। नहा धो के हो गए हैं रेडी, और बस नाश्ता बनाई थी और खाई हूँ, खाना बन चुका है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बैंक, पंखा कर देती हूँ ऑफ क्योंकि बैंक का काम अर्जेंट आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि शॉपिंग कोचिंग जा चुका है तो शॉपिंग कर देता है, कोचिंग नहीं गया होता तो। और मैंने ये पर्स टांग ली हूँ क्योंकि अगर छोटे वाले पर्स में हाथ में लो तो मोबाइल लो, पर्स लो, पैसे लो, बहुत दिक्कत हो जाता है। और बाहर हो रही है बारिश और मुझे बारिश में ही जाना होगा, हल्का हल्का बारिश हो रहा है तो गीला होके जाना पड़ेगा बैंक। तो जा रही बैंक का काम मुझे बहुत ज़रूरी है, लंच का टाइम होने वाला है, 1:50 हो चुके हैं, है पास में ही, 5 मिनट लगेगा, लेकिन भगवान मेरा काम हो जाए, नहीं तो पहले लेडीज थी, अब लेडीज वहाँ से हट गई, एक जेंट्स आ गए, पता नहीं वो कर देंगे कि नहीं, वैसे वो कर देती थी। तो चलो ये देखिए मैं जाने के लिए तैयार हुई हूँ, लेकिन बारिश हो रही है, आपको ऊपर नहीं दिख रहा नीचे दिख रहा है, और बादल भी गरज रहा है, सुनिए क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो देखती हूँ, निकल के तो गई कि चली जाऊंगी, बारिश बहुत तेज़ होने लग गई। अब आई हूँ घर, थोड़ी सी निकली ही थी घर से बस,
और ये निकाली हूँ छाता, और पता नहीं बहुत टाइम से ये पड़ा हुआ था, चल गया जैसा भी है, मैं जा रही हूँ। क्या करें, जाना ज़रूरी है ना। चलो आप लोग भी देखते हैं, है ना। आप अभी शॉप करा देना, तो चार महीने का वो लगाते हैं, तो कुछ वो लगाएंगे, हम पेमेंट नहीं करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। हैंडी बैंक का काम हो गया, पैसे जमा हो गए, और अब मैं घर जा रही हूँ। और बारिश भी छूट चुकी है और छाता उठाना पड़ेगा मुझे। काश आज मुझे YouTube की तरफ से पेमेंट आया होता, उसके लिए मैं आती हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन वो दिन भी आएगा। ठीक है, चले घर पे। फाइनली आ चुकी हूँ घर पे, जस्ट आई हूँ और चावल चढ़ा के नहीं गई थी, ये चावल मैंने रख दी हूँ। और फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आधे रास्ता आया तो बारिश छूट गई थी, आधे रास्ता तो फिर चालू हो गई, फिर छाता निकालना पड़ा। फाइनली आ चुके हैं। क्याम हो गया, शुक्र है कि लंच का टाइम हो जाता तो फिर एक घंटा बैठना होता, तो वो बैठे हुए थे तो बोले कोई बात नहीं, आप आराम से भर लो, मैं आपका करके ही जमा जाऊँगा। चेंज हो चुके हैं, वहाँ पे एक मैम बैठती थी, अभी सर आ चुके हैं। तो मैंने बोली कि मैम का ट्रांसफ़र हो गया, तो बोल रहे हैं हाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो बस देखो आवाज़ नहीं सुना रही आपको, चलो बाहर दिखाती हूँ। फिर से जमाजम, और बादल भी गरज रही थी, बारिश शुरू हो गई। चलो शुक्र है मैं टाइम से आ गई, तो फिर से तेज़ बारिश में और दिक्कत हो जाता हमें। चलो भगवान का शुक्र है मेरा काम हो गया और आ चुकी हूँ घर पे। हेलो, आ गई मैं बाहर से घूम घाम करके, सब्ज़ी लेने गई थी लेकिन सब्ज़ी तो मिली नहीं, क्योंकि 30 रुपये पाव टमाटर दे रहा है, लेकिन बहुत ही गला हुआ, एकदम अच्छा नहीं था, तो टमाटर भी नहीं ली, सब्ज़ी भी कुछ नहीं लिया। ऐसे ही गई टहलते हुए, और टहलते हुए आ गई। और मैं क्या लेके आई, ये देखिए, ये चना भुना हुआ मिल गया, मैं सोच रही मिल जाता, लेकिन इस दुकान में गई तो छोटा छोटा वाला पैकेट महंगा दे रहा था, तो मैंने बोली किलो, तो किलो का सही रेट लगाया, तो मैंने 1 किलो ये खरीद के लिया। इसका छिलका उतार के अब मैं क्या करने वाली हूँ इसका, वो भी आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी। तो इसको रख देते हैं जी फ्रीज पे। और एक ये भी ज़रूरी था मुझे, ये वाला क्रीम सीसी वाला, तो ये अपने अपने फेस पे जो भी सूट करता है, तो मैं लेती हूँ सेकेंड वाला। इसमें जैसे ये मेरे कलर है तो इसमें सेकेंड होगा, अगर इससे जो थोड़े से गोरे होते हैं उनके लिए होता है फर्स्ट वाला। उन्होंने बोला कि अगर नीचे वाला लोगे तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा थर्ड नंबर, फर्स्ट वाला बिल्कुल लाइट हो जाएगा, तो आप सेकेंड वाला आप ले लो। पहले भी सेकेंड वाला ही लेके आई थी, तो ये लेके आ गई है, क्योंकि मुझे ये ज़रूरी होता शॉर्ट्स वाले वीडियो बनाते, थोड़ा हल्का लगा लो, और तो कुछ भी नहीं लगाती इसमें, सब कुछ रहता है, तो ये लगा लेती थी, ये लेके आ गई। और सब्जी तो लाई नहीं कुछ, तो मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी इस चना से बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, दिखाऊँगी सब कुछ। तो आज जो ज़रूरी थी सब्जी के चक्कर में सब्जी नहीं लिया, मैंने सोची केला पड़ा हुआ है, और घर पे आई सपने ले केला खा लिया होगा शाम को, अब है ही नहीं कल के लिए। अब मैं सोच रही थी, देख वहाँ पे उसने बोला कि आंटी जी केला ले लो, केला लिया ही नहीं मैंने। तो चलो जी आप लोग बने रहो, और आज मैं जहाँ जहाँ गई थी इस वीडियो को, तो अभी यहीं पर अंत करती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज इतना अच्छा पार्क का सीन मैं कैप्चर करके लेके आई हूँ, वो भी देखना, थोड़ा मंदिर गई थी वो भी देखना, सब मैंने वीडियो बना के लाई थोड़ा थोड़ा। वहीं पे पार्क के पास ही मंदिर है, और पार्क इतना अच्छा सजा रखे हैं, लाइटिंग वाइटिंग करके, फुहारे सब लगे हुए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखना पूरा वीडियो।